हे हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ICAI का मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो हर CA फाउंडेशन स्टूडेंट्स रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप यूट्यूब चैनल नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड जो साइड में बेल आइकन वाले बटन से प्रेस कर देना ताकि CA एग्जाम रिगार्डिंग कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट अनाउंसमेंट या नोट्स आप मिस ना कर सके। ICAI ने कल के डेट में CA फाउंडेशन स्टूडेंट का जो एग्जाम होने वाला था वो पोस्टपोन कर दिया है, उससे रिगार्डिंग ये वीडियो है। लाइक आप देख सकते हैं कल के डेट में 23 जून को ICAI ने रात को ये अपडेट दिया था, और हालांकि ये अपडेट मैंने टेलीग्राम चैनल पे पहले ही अपडेट कर दिया था। जितने स्टूडेंट अभी करंट टाइम पे देख रहे इस वीडियो को, उन सभी से रिक्वेस्ट है अगर आपने अभी तक ग्रो नॉलेज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, ताकि कोई भी अपडेट रात में या फिर नाइट में आता है तो वो सारे अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाता है। यहाँ पर ICAI ने जो CA फाउंडेशन का एग्ज़ाम होने वाला था उसे पोस्टपोन कर दिया है। देख सकते हैं यहाँ पर पोस्टपोन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट फाउंडेशन एग्जामिनेशन शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन 24th एंड 26th जून 2020 एट द सिलचर। ये खाली कहाँ पे पोस्टपोन हुआ है? सिलचर आसाम में, एग्जामिनेशन सेंटर ओनली। बाकी जितना भी स्टेट है, जितना भी कैपिटल है, लाइक महाराष्ट्र हो या फिर राजस्थान हो, कोई भी आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, खाली यहाँ पे आसाम का एग्ज़ाम CA फाउंडेशन सिलचर आसाम का एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है। रीज़न क्या था पोस्टपोन होने का आपको पता है? इसके पहले भी एक दो एग्ज़ाम CA इंटर एंड CA फाइनल का भी पोस्टपोन हुआ था। उसमें रीजन था कि फ्लड रिगार्डिंग वहाँ पे इशू था। ड्यू टू द गोइंग फ्लड ऑन सिल्चर सिटी असम, इट्स बीन द डिसाइडेड द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पोस्टपोन चार्टेड अकाउंटिंग फाउंडेशन एग्जामिनेशन पेपर वन प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग एंड पेपर टू बिजनेस लॉ एंड BCR शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन 24th एंड 26th जून रिस्पेक्टिवली इन सिल्चर असम ओनली। खाली सिल्चर असम में ही ये इशू हुआ है, जहाँ के फ्लड रिगार्डिंग इशू खाली वहीं पर आता है। बाकी जितने भी स्टेट है आप सभी का एग्ज़ाम ऑन शेड्यूल ऑन डेट है, ओनली असम का ही इशू हुआ है। देन आई होप अब आपके माइंड में कोई भी डाउट नहीं आ रहा होगा, सर क्या मैं ये स्टेट से बिलोंग करता हूँ, सर मैं राजस्थान से हूँ, सर मैं महाराष्ट्र से हूँ, सर मैं कर्नाटका से हूँ, सर डिफरेंट डिफरेंट प्लेस का नाम बताने लग जाएंगे कि सर मैं यहाँ से हूँ, क्या मेरा भी एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है? देन इसका आंसर नो, आपका एग्ज़ाम ऑन शेड्यूल होगा, ऑन टाइम होगा। ये खाली सिलचर असम में ही खाली इशू हुआ है फ्लड रिगार्डिंग, इसीलिए खाली वहाँ का एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है। आई होप आपके माइंड में कोई डाउट नहीं आ रहा होगा एग्जाम रिगार्डिंग। इन केस आपके माइंड में कोई भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। एंड हाँ, आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने ग्रो नॉलेज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वहाँ ज्वाइन कर लेना। कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MTP RTP जो लगे कि आपके लिए जून 2022 एग्जाम रिगार्डिंग हेल्पफुल होगा वो वहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ मैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, इन केस आपके माइंड में कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना।